गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन कैसे बना सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि गाइस ये हमारा सिंपल तरीके से मैसेज है और मैं चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पे हमारी स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल तरीके से थ्री फिंगर्स लेनी है आपको और ऐसे स्वाइप अप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आपको कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। हम यूट्यूब खोल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब चलेगा, ऊपर हमारा नेटफ्लिक्स चलेगा, ऊपर हमारा मैसेज चलेगा। ठीक है, इस टाइप से इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज आपका स्मार्ट साइड वार्ड से अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि ये नोट्स पेड आप खोल के आप यहाँ पे ले आओ तो आप इसको खोल लोगे। इस वाले एप्लीकेशन को कोई दूसरा एप्लीकेशन आपको लाना है यहाँ पे खोल के, ऐसे गाइज डायलर लाना है तो आप यहाँ पे डायलर छोड़ दोगे तो डायलर आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप तीन चार एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइज। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, ओके, और सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आप जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ शॉर्टकट और एसेसिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सिंपल तरीके से जो कि है स्प्लिट स्क्रीन का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो स्प्लिट स्क्रीन यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लोगे। ठीक है, ऑन करोगे तो थ्री फिंगर स्वाइप अप ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आप ऑन कर पाओगे। इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।